वेलकम टू लॉ प्लैनेट। आइए आज हम शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को अच्छी तरह समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में डिसाइड किया था। यही वो केस है जिसने पहली बार इंडिया में तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसलिए इस केस को ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। शायरा बानो को रिजवान अहमद से निकाह किए हुए 15 साल बीत चुके थे। 2016 में रिजवान अहमद ने शायरा बानो को तलाक बिद्दत से उसे डाइवोर्स दे दिया था। इस ट्रिपल तलाक को केवल मुस्लिम हस्बैंड्स ही यूज़ कर सकते थे और वो भी बिना अपनी वाइफ के कंसेंट लिए। शायरा बानो ने फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन फाइल करते हुए तीन चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने की मांग करी, जो थी ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी और निकाह हलाला, क्योंकि वो मुस्लिम वाइफ्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 में दिए हुए हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि मुस्लिम मैन एक से ज़्यादा फीमेल के साथ मैरिज कर सकता है, और निकाह हलाला का मतलब होता है जब एक फीमेल अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले और फिर उसी से दोबारा रीमैरिज करना चाहे तो उसे पहले किसी और मेल के साथ मैरिज करनी होगी और उस दूसरे मेल को डाइवोर्स देने के बाद ही वो अपने पहले डाइवोर्स हस्बैंड से रीमैरिज कर पाएगी। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और काफ़ी सारी वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी। यूनियन ऑफ इंडिया और वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशंस तो शायरा बानो की तरफ थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पिटीशन को अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अनकोडिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता और ये ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस इस्लाम में एसेंशियल हैं जो आर्टिकल 25 के अंडर प्रोटेक्टेड हैं। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला और मेजर लीगल इशू ये था कि क्या ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या ट्रिपल तलाक इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को किस तरह रिजॉल्व किया और अपने डिसीजन के लिए क्या रीजनिंग दी। इस केस में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें जस्टिस जगदीश सिंह केहर जी, जस्टिस अब्दुल नज़ीर जी, जस्टिस रोहिंतन फली नरीमन जी, जस्टिस यूयू ललित जी और जस्टिस कुरियन जोसेफ जी थे, और जजेस ने 3-2 की मेजॉरिटी से इस जजमेंट को पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बजाय एक टूल है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ पर डोमिनेट करने के लिए यूज़ करता है, और यही कारण है कि ट्रिपल तलाक आर्टिकल 14 को वायलेट करता है और इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और रही बात कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को हटाने से रिलीजन में कोई मेजर चेंज आए तब उसे आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंडर एसेंशियल माना जाएगा, वरना नहीं। और ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस हटाने से कोई भी मेजर रिलीजियस चेंज नहीं आ रहा था। ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा कि यह आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को भी वायलेट करता है। यदि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू एनफोर्स कराई जाती है तो ये पर्सनल लॉ ही इस मैटर के लिए वॉइड है, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि ऐसे सारे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले लागू हो रखे हैं और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो लॉज वॉइड माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुरान का भी सहारा लिया और कहा कि ट्रिपल तलाक कुरान में दिए गए बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, और जो चीज़ कुरान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो वो शरीयत के अगेंस्ट भी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रैक्टिस को रिलीजन ही अगर गलत माने तो लॉ तो उसको गलत मानेगा ही। मेरे हिसाब से शायरा बानो की इस जजमेंट के बाद मुस्लिम वुमेन के साथ होने वाले अत्याचारों में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आई होगी।
इस जजमेंट ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है जिससे पर्सनल लॉज में फ्यूचर अमेंडमेंट्स इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही केस एनालिसिस देखने के लिए लॉ प्लैनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।